सिवनी जिले के घंघसौर में एक किसान दंड बैठक करते हुए एसडीएम कार्यालय पहुंचा और अपनी व्यथा एसडीएम को सुनाई। किसान का कहना था कि गांव के कुछ दबंगों द्वारा उसकी जमीन पर कब्जा कर लिया गया है, जिसको लेकर वह 7 साल से एसडीएम तहसीलदार के कार्यालयों के चक्कर काट रहा है, लेकिन उसे न्याय नहीं मिल रहा। किसान ने एसडीएम से न्याय की गुहार लगाई है। ये है कि लॉकडाउन में 4 आदमी इकट्ठे नहीं बैठ सकते, तो 20 लोग रात और दिन में बाउंड्री खींच शेख रफीक शेख इस्माइल दोनों भाइयों ने। थाना पुलिस से कोई कार्रवाई नहीं, एटीएम तहसील से कोई कार्रवाई नहीं। 6 बार तक आरआई पटवारी तहसीलदार गए, पर जो जहां मौका विवाद है वहां नहीं नापते, आनाकानी करते हैं। अभी दंड भान जताया, मैं एटीएम कार्यालय से यहाँ मिले कागज मिला मेरे को, आपको न्याय मिलेगी। कलेक्टर के यहाँ भी 2020-20-8-8 को अंतर 7 बजे से लगा है, 11 से 7 बजे शाम तक कलेक्टर महोदय ने भी बोला था आपको न्याय।